सो गुड मॉर्निंग फिलास, अभी समय है 8:30 AM और ये है मेरा डे 14th ऑफ मंक मोड। आज का दिन का शुरुआत ही फालतू हो गया। एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम यस्टरडे, जो कल कितना सिर्फ 11 बजे से 12 बजे तक फोकस्ड वर्क कर पाया, और फोकस वर्क भी नाम का ही था, बीच में पूरा नींद कंसंट्रेशन गड़बड़ कर रहा था। और फिर चार बजे को शायद नींद टूट गई, मतलब 50-50 नींद भी नहीं लग रहा था इतना अच्छा कि मैं सो जाऊं, और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल जाग गया हूँ। तो उस बीच में मैंने अपना व्लॉग एडिट किया, डे ट्वेल्व का व्लॉग ऑलमोस्ट मोर देन 15 मिनट्स तक, तो वो समय लग गया एडिट करने में। और उसके बाद जब मैं सो गया 5 बजे से को, अलार्म सेट था 7 बजे का, पर अलार्म को स्नूच ऑफ करके जब सच में मेरा आँख खुला तो 8 बज चुका था। तो अभी फ्रेश अप कर लेने का, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेने का। ब्रेकफास्ट मेरे ये है पैटेंटेड ब्रेकफास्ट, ओट्स प्लस 2 बॉइल्ड एग्स। तो ये प्रिपेयर कर लेने के बाद 8:30 हो गया, तो सुबह का शुरुआत ही बहुत घटिया निकला। और डे 14 हो गया है, तो हाफ वे मार्क, ऑलमोस्ट नॉट हाफ वे या ऑलमोस्ट हाफ वे, बिकॉज 30 डेज बोलेंगे तो 14 ऑलमोस्ट हाफ वे, 15 डेज विल बी करेक्ट 50-50। सो दिन का शुरुआत तो ठीक नहीं है, पर कोशिश करेंगे कि इसे एक अच्छा दिन बनाएं। सो अभी समय है 9:18 AM और निकल रहा हूँ हाँ अपना पार्ट टाइम जॉब के लिए। आज का कहानी ये है कि मतलब अभी तक का कहानी है ना, 8:36 to 8:46 AM was 10 minutes of meditation। और अभी क्योंकि 9:20 हो गया है तो ट्रैफिक बहुत मशक्कत करना दे करना, ट्रैफिक बहुत परेशान करेगा। 9:30 को अभी बहुत सारे लोग जो मेरी तरह लेट उठते हैं उनका कम्यूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जिसके कारण ट्रैफिक जैम हो जाएगा। यही ख़राब बात है लेट उठने का, पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा मुझे। 2:25 PM हो गए हैं और 2:25 PM को पहुंच रहा हूँ अपना घर। तो अभी जाएंगे लंच के लिए, समय कितना है 2:32 PM को जा रहे हैं लंच के लिए। और मेरा आइडिया, एक नया आइडिया टेक्निक यूज़ किया हूँ, स्कूटी से जाऊँगा जल्दी वापस आऊँगा, जल्दी वापस आऊँगा, कम्यूटिंग में समय कम हो जाएगा, कि खाना तो बना नहीं है और खाना बनाने का एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है। नो बकवास, लेट्स गो। टाइम इज 2:45 PM, मटन था भी आज। हेलो फिलास, अभी समय है 8:15 PM और पूरा दिन फोकस वर्क नहीं हो पाया। अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस आकर घर में पहुंचा और लंच किया, फिर तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी तो इसलिए रेस्ट किया। और फिर अभी 7:30 PM को सोकर उठा हूँ, और सोने से पहले और बड़ा गड़बड़ हो गया। जो मेरे रूल में लिखा था कि इन सब चीज़ों को नहीं करना है मंक मोड में, उन्हीं सभी चीज़ों को किया मैंने, जैसे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का हाईलाइट देख लिया, क्योंकि मैच बहुत ही रोमांचक था।
हाईलाइट देखा और उसके बाद स्पायरल होती गई, और क्या हाईलाइट देखा, क्या देखा, यूट्यूब देखा, सब कुछ देखा। और फिर मैंने सोचा कि अपने मंक मोड को यहीं ख़त्म कर देता हूँ। फिर लगा कि ऐसा होगा नहीं, 13 days ऑलमोस्ट, 2 हफ्ता हो चुका है 2 हफ्ता, और अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा मुझे। 30 days का जो पीरियड था उसमें ये दिन तो गड़बड़ हो गया। इससे पहले भी गड़बड़ हुआ था जब मैंने जंक फूड खाया था, तो वो एक ऐसा सिचुएशन था जो मेरे हिसाब से चेंज करना मुश्किल था, क्योंकि वो एक फोर्स सिचुएशन था। पर ये सिचुएशन में मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता था, पर कंट्रोल नहीं किया, हार गया टेम्पटेशन के फेस पे, हार गया। इसलिए मुझे बुरा लग रहा है और सोच रहा था कि अभी KFC जाऊंगा डिनर के लिए, पर सोचा कि वो ज़्यादा हो जाएगा। जो दिन ख़राब था उससे बदतर बना दूंगा अगर मैं गया तो। इसलिए सोच रहा हूँ जिम जाता हूँ और ये दिन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि गलती तो हो गई मुझसे, पर इसे और ख़राब होने नहीं दूंगा। जो डैमेज है उसे मिनिमाइज़ करना पड़ेगा मुझे, और ये दिन को तो मैं नहीं गिनूंगा अपने मंक मोड के लिए, मतलब अपने उसे नहीं गिन सकता हूँ। ये मंक मोड नहीं है, ये एक नॉर्मल डे है, एक नॉर्मल दिन। पर जो मंक मोड चैलेंज चल रहा है उसमें गिनना पड़ेगा। पर आप लोग जान जाइए कि अगर मैं 30 days कंप्लीट करता हूँ तो उसमें से सिर्फ आधा ही काउंट होगा, ओनली 2 weeks, क्योंकि ये दिन पूरा टहस नहस कर दिया मेरा पूरा जो 2 हफ्ता, ऑलमोस्ट 13 days जो अच्छा से चल रहा था उसे बर्बाद कर दिया। पर कंटिन्यू करूँगा, बहुत दुखी हूँ, अभी जिम जाऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि फोकस्ड वर्क करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के लिए एटलीस्ट 20% सैलवेज कर पाऊँगा इस दिन को। चाय बना किया था ना, तब थोड़ा अभी जैसे आ गया था, वापस फिर बीमार होके पूरा एक्सरसाइज छोड़ दिया, 1 साल जैसे पूरा वो हड्डी हो गया। इसे तो थोड़ा कम था, 57-58 kg हो गया। तजा जी में पी भी कम है ना, 600 रुपया आदमी ज्यादा है। तजा जी में बैंक दिन ली 600 रुपया। 9:23 हो गया है, 9:23 PM, और वापस आ गया हूँ जिम से। थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ और इसी मोमेंटम को बरकरार रखेंगे। अभी खाना खाने जाएंगे, उसके बाद इसी मोमेंटम को बरकरार रखेंगे। अभी समय है 10:10 PM, यह है डिनर। वो देखो मेरा छोटा भांजा क्या पढ़ रहे तुम, साइंस? अभी समय है 10:57 PM और वापस आ गया हूँ डिनर से।
एक फ्रूटफुल विजिट था क्योंकि डिनर हुआ और वहाँ डिनर करने के बाद आप 10 मिनट में तो हो गया था मेरा डिनर, पर आप ऐसे नहीं निकल सकते 10 मिनट कर लेने के बाद सीधा वापस, तो थोड़ा बातचीत हो जाता है। और उसी बीच में मैंने किया कल का वीडियो एडिट, और एक सेक्शन एडिट करना बाकी है, उसे अब एडिट कर दूँगा, वो जल्दी 5-10 मिनट में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 15 मिनट। एडिट करने के बाद अपलोड कर देंगे, अपलोड हो जाएगा 10:30 से पहले, और करेंगे एटलीस्ट 1.5 आवर्स ऑफ फोकस्ड वर्क, क्योंकि खाली नहीं छोड़ सकता, जीरो पर नहीं आने दूंगा फोकस। सो फिलहाल अभी समय है 1:21 AM, और मेरा जो मैंने बोला था कि 2 आवर्स ऑफ फोकस्ड वर्क करूंगा, वो मैं कर पाया, अच्छी बात है। 11:20 से शुरू किया था क्योंकि 11 बजे से 11:20 तक वीडियो अपलोड करके वीडियो एडिट करके अपलोड कर दिया, और उसके बाद 11:20 से 12:20, और फिर 5 मिनट ऐसे कुछ ब्रेक लिया, फिर 12:20 से 1:20 AM तक बैठ पाया, 2 आवर्स ऑफ फोकस्ड वर्क हो गया। आज नींद नहीं लगा क्योंकि दिन में तबीयत ख़राब होने के कारण एक दो घंटा जैसा सो गया था। देख सकते हो ये समय है यहाँ फोकस 1:22 AM, और इसी से करेंगे आज का दिन ख़त्म। तो यस, दैट्स फॉर टुडे।